गाइज, कुछ समय पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा कि कुछ फौजी भाइयों ने मुझे लद्दाख में गिफ्ट दिए थे, ठीक है, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट वगैरह दिए थे। आज फौजी की तरफ से नहीं, फौजन की तरफ से आमा के लिए गिफ्ट हैम्पर आए हैं दगड़ियों। तो गाइज, जो आज की सौगात आई है वो आई है पिथौरागढ़ से। गीता मैम ने भेजी है, जो कि ITBP पिथौरागढ़ में अभी पोस्टेड है, ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या भेजा है, अनबॉक्स करते हैं। यो अम्मा जी, राखो चाली जी बेसना लड्डू, दूध दगा खाली कभी, ठीक छो ने, यहू बेसना लड्डू। और यो जी राखो थे रात खुटन में पीड़ हूँ, थार दूधा दगा चौन पर आसला खाली कभी। बता क्यों कौन सा है तू, ये चाली जी स्पेशली भेज जा हो। क्यों कौन सा जा, बहुत बहुत धन्यवाद से तुम्हार। हाँ, जो तुम मेरे लिए सामान भेजो, जाना था गीता देवी। गीता देवी, मैं चली नाम रहा गीता सेजा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार। और उनले एक चेल हुना नहीं नहीं उन्हें तेरे ब्लॉग देखे। अच्छा अच्छा नतन का बहुत मेरे तरफ प्यार आशीष। कदने हमारे घर ले आया जा, हमारे सिद्धे मेरा खुटे का जया कदने। हाँ, आया मंदिर जला, या मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर से, हाँ, देवी मंदिर वहाँ जला। हाँ, आया आया आया। तो अम्मा आप तेरे तो ठीक है ना, ब्याह का चौनप्राश खाली और अत दूध दगे बेसना लड्डू खाली, बहुत पौष्टिक उन तो मोटाई बे लाल जाली फिर तू। ले अम्मा देख ले, चाली जी तू सोचना ना हमारे यूट्यूब फैमिली वाले। और ये भेज रखी है 8 PM, अरे सॉरी 8 AM है दगड़ियो, 8 AM के न्यूटिला भेजे हुए दगड़े, मीजा खुशी भाई हूँ। तो ये हमारे शाग पात बोना काम होगा, का भत्ता शाग नहीं भाई, मेहमान मेहमान आ जन तो अचानक से इमरजेंसी में बोने की, ठीक हूँ। ये देखो दगड़े, जय हो, हे इष्ट देव, तो ये लेवेंडर धूप, ठीक था। तुम्हारा नाम अगरबत्ती जगोल मंदिर में रोज पूछ कर रूं तुम्हारा नाम है। हाँ, मेरे लिए आई है दोस्तों ढेर सारी मैगियां, पूरा गिफ्ट हैम्पर भेजा है। नमकीन, अरे वाह, पापा के लिए आया है चखना। पापा के ले बच्चा खार पीड़ जाए, और पापा कभी आपकी भी सर दर्द होती है आपके लिए भी बाम भेजा हो। तो गीता मैम, आपका सामान मुझे मिल चुका है, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। और अम्मा के कुर्ता है तू लगा दे साड़े। बहुत बहुत धन्यवाद से तुम हो, जो मैं हूँ गिफ्ट भेज रहा हूँ तुम बच गया, यो दिन हमारे भेजन रहा। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट आ रहा है। हाँ, मुझे भी देखने का मौका मिल रहा है, अनबॉक्सिंग का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद तुम दानदाताओं को, सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों दानदाताओं का बहुत धन्यवाद। स्वाद आ गया भाई। तो दोस्तों ये देखिए, आज यहाँ पे जडजा का दो बन रहा है दगड़ियों, गुड़ के लिए, ठीक है, मिल्की फ्लेवर का दो बना रही है आज जडजा। दो लगुणी जो भदेल छू दगड़ियों, उजे नैन नैन हूँ। और पनीउल देखना है तुम, ये बाबरे, ये खपीशन जो पनीउल हूँ दगड़ियों, ये वही पनीउल है दगड़ियों जिस पनीउल से ताऊजी की बरात में भात पशका गया था दगड़ियों। ये दोस्तों हमने गेलन का गमला बना के रखा था, इतनी तेज की हवा चली वो यहाँ आ गया रास्ते। तो दोस्तों अभी जो बसंती घास खा रही है उसको हमारे पहाड़ में चलमड़ बोला जाता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है दगड़ियों, जब कहीं पे हाथ खुट में चोट लग जाती है तो ये चलमड़ घुस के भी उसका रस डाला जाता है। पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झुमा, अरे वारी आ जा पानी पी जा छोड़ी रुमा झुमा, अरे पारी आ जा चलमड़ खा जा छोड़ी। वही जा वही जा वही जा, कैमरा लगाने पे गुस्सा क्यों हो रहा है, जा 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 चल खा खा खा, नहीं बना रहा तेरी वीडियो, जा ला गया माट है बाप रे, भारी उड़े रहो नल बता था, कम कम लू ना बहुत भार हो तो। दोस्तों इसमें मिट्टी लाई जा रही है, लाल मिट्टी, जिससे कि पाल को लीपा जाता है दगड़ियों। दिन की नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, वही नहीं नींद पूरी। तो दोस्तों ताऊजी आजकल दिन में यहाँ पर सो रहे हैं और रात में ऊपर वाले घर में सोते हैं हमारे, तो कहाँ पे नींद सबसे अच्छी आती है ताऊजी आपको? हैं, सब जगह, सब जगह आती है। और ताऊजी अभी मोबाइल में पबजी खेलते हुए, ये माल्टा का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है इस पटकड़ में दगड़ियों। ये देखिए आप, गर्मियों में यहाँ पे आप एक दो कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, फर्स्ट क्लास छाया देगा। करो फटाफट, क्यों हो चाहिए अब फुर्ती बहुत हो, लेकिन तुम वहाँ फुर्ती आई न उड़ेगी की रहा फुर्ती। ताऊ जी फुर्ती बाजे भाई, तुम फुर्ती भाई, तुम्हारे कहता तू ताजी, तुम्हारे कहता तू फुर्ती कहाँ पे है, मैं उसी बता ना, तुम्हारे कहता तू फुर्ती कहाँ पे है, भगवान अल्दी
को भगवान है जल्दी नहीं लुई ईश्वर है दिन है चमक भी आपके चेहरे पे ऊर्जा शक्ति है ऊर्जा शक्ति है ये गाड़ को ऊर्जा व्हील ने मिलने पेट्रोल है हां वैसे आपको किससे मिलती है मेरे को ये भगवान की भगवान से ऊर्जा तुम खान पीन लेना खाना उदो तो ऊर्जा मिले में हां जैसे मैं मम्मी तक खान पीन ला साल खाए और भी बाल सुस्त है रो तुम इधर छा मैं कौन हां मटा रही हूं नहीं ना मतलब छाव है रो हां तुमने अपनी धोती साड़ी उचाती हुई और अपनी जेठानी की भी उचा रही है दगड़ियो इतनी जेठानी भक्त बालिका है दगड़ियो ये आप देखिए न तो की फर्क पड़ नहीं ताई जी ने आगे वहां तैल के नहीं उठू लेकिन हमारे जाटजा मन में तो के नहीं बोए वो देखो कह कर पेटकोट उठाया कहले तो ताई जी तुम्हारे कह लागे हल जाए ये मैं कहूँ बढ़िया तुम्हारे ऐसे देख मेरा क्या बोरा ना करो तो कैमरा में क्या है बढ़िया ये बता ये मैं गौर से हल्दार बाल ताई जी कर लगे ये मैं कह दियो सही ये मुस्कान तो कुछ और कह दी अब यही सवाल मैं अपने हल्द्वानी वाले ताऊ जी से पूछता हूँ दगड़ियो ताऊ जी सीरियसली बताना एक बार तुमको ना ताई जी कैसी लगती है बहुत सुंदर ऐसा तो विश्व में कोई है ही नहीं वो ताई जी की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुस्कुराना आज एक समुड़िए दांत जो ना फिर कीजिए तो ताऊ जी को ताई जी का मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है अब मैं अपने घर वाली ताई जी से पूछूंगा कि घर वाली ताई जी को घर वाले ताऊ जी का क्या अच्छा लगता है कहूं दे कहला याओ तुम्हार का तुम्हारे ताऊ जी की बल्ला कौन सी आदत अच्छी लगती है सब आदत में नहीं लगा कोई आदत में कमी नहीं कमी ना नहीं कोई तो बात ऐसी होगी जो इम्प्रेस करती होगी जो उनको औरों से अलग बनाती होगी सब बात बड़ी लगा तब भी उनमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगती सब बात अच्छी अच्छा जैसे 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 ताऊ जी ने बोला कि मेरे को ताई जी का मुस्कुराना अच्छा लगता है ऐसे आपको ताऊ जी का क्या अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है उठना बैठना खाना पीना खाना पीना इसमें बहुत जोर दिया तुमने ताई जी यहाँ पे अपनी धोती को फोल्ड करती हुई और सब ने एक एक कर बे धोती फोल्ड कर दगड़ियो यशकरण में रह गए ताई जी हमार यो आप ताई जी की धोती को भी फोल्ड कर रही है और ताई जी अपनी अपना नीचे चली गई है चुपचाप ना अभी तो करनी नहीं होना फिर क्यों ये तो फोल्ड करनी चाहिए खाना पकौनी चाहिए छोटे ताऊ जी से पूछने की तो हम हिम्मत नहीं कर पाए लेकिन हल्द्वानी वाले ताऊ जी से हमने जरूर पूछा कि उनको ताई जी की में सबसे अच्छी बात क्या लगती है तो ऐसी आप मेरे को बताओ कि आपको मम्मी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है जिससे आप इम्प्रेस होते हैं मैन ऑलवेज विल बी मैन ऐसी ऐसी मुस्कान ताऊ जी के चेहरे में भी आई थी बताने से पहले बहुत ही धर्म संकट हो जाता है जब पत्नियों के बारे में सवाल पूछा जाता है हमने तो ऐसा कुछ आज तक कुछ सोचा ही नहीं यार हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं अरे मैं डालूंगा नहीं ब्लॉग में डालूंगा वैसे ही बता दो आप पापा सोच रहे भी इसके बाद क्या होगा अभी तो बोल दूंगा ये अंदर का मामला है तो काफी नपा तुला जवाब एक राजनीतिज्ञ एक प्रकांड राजनीतिज्ञ की तरह यहाँ पे पप्पा ने जवाब दिया है दोस्तों कि ये अंदर का मामला है इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सटीक जवाब दिया अब मैं थोड़ा सा ताई जी की ओर जाता हूँ दोस्तों ताई जी अल्लाह मिल ताऊ जी हैं पूछो
कि तुमन का ताईजी में सबसे बढ़िया की लागू था कि ताईजी का मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, एक बार मुस्कुराए भी दिखाई दे। अब तुम ये बताओ बगा कि एक अब तुम अगर ये बताओ कि तुमन का ताऊजी में सबसे बढ़िया की लागू क्या बताऊं फिर आप एक कोई एक बात जिससे कि तुम बहुत अच्छी लगती है, जिससे तुम इम्प्रेस हो जाते हो, ऐसी कोई बात है ताऊजी में? इतने सालों से आप साथ हो वो तो कुणानी अंदर का मामला है, मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक